होता है, क्योंकि मछुआ समुदाय है, इसके ऊपर सदियों से पौआ पिलाकर पैसा देकर वोट ले लेते थे। अब ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, इन्हें मालूम होगा कि नहीं, हमें यहाँ पौआ पैसा नहीं, पावर चाहिए। पावर के साथ रहने से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा, और आज सरकार के साथ रहकर अपने धीरे धीरे समस्याओं का समाधान है। हमारे पास मत्स्य मंत्रालय से ढेर सारे योजनाएँ और भी तमाम विभागों की योजनाएँ हैं, क्योंकि हमारे समुदाय के लोगों पास शिक्षा का स्तर बहुत कम होने के नाते गांव में हमारे लोग माइग्रेट करके दूसरे जगह कमाने चले गए। ऐसी परिस्थितियों में योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, उन्हें जागृत करने के लिए और निरीक्षण करना था और दिशा निर्देश शासन प्रशासन को करना था कि 2000 ये जो हमारे पास गांव में रहने वाली जातियाँ हैं, इनके साथ थोड़ा सा इनके अंदर अवेयरनेस लाएं और योजनाओं के बारे में जाकर अधिकारियों को निर्देशित करके उनकी योजनाओं का लाभ दें। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रहा है, उसमें 60% सब्सिडी महिलाओं के लाभ, साधारण 40% है, और फ्री का बीमा है। इनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड है, कि जिसके पास खेती था उसे किसान क्रेडिट तो मिल रहा था, लेकिन जिसके पास खेती नहीं है, इन निषादों की खेती अंग्रेजों ने छीन लिया था, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने इनको बोला कि इनके पास नेट होगा, जाल होगा, मछली मारने, मछली से संबंधित व्यापार करने के कोई भी चिन्ह होंगे, उसके पहचान होगा, उसे हम बिना कोलेटरल गारंटी के 1,60,000 रुपये लिमिट लेने देंगे और ऋण देंगे। तो ऐसे में यहाँ जो अधिकारी थे उन्हें निर्देश जारी करना था, इनके अंदर अवेयरनेस पैदा करना था कि हर संभव तरफ से आके आप काम करो, कि भाई आप इनके अंदर इंस्पायरेशन पैदा किया जा रहा, इन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई 100 रुपये अगर किसी बैंक में रखते हो तो 8 साल से 10 साल बाद ही दुगुना होगा, लेकिन अगर 100 रुपये हमारे मत्स्य क्षेत्र में लगाते हो व्यापार में तो आपको 8 से 10 महीने में दुगुना हो जाएगा। तो ऐसे में आपको इस क्षेत्र में आओ, क्योंकि लक्ष्मी जो है समृद्ध वही हो सकता है, मजदूर तो कभी समृद्धशाली हो ही नहीं सकता है जब वो मजदूरी से अलग हटकर काम करे, या व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, या वो जो है कोई पेशागत काम करेगा, या फिर नौकरी करेगा, वही समृद्ध हो सकता है। तो इनके सारे सिस्टमों को हम धीरे धीरे इनको हम इस क्षेत्र में ला रहे हैं, ये मेरा मंशा है, और आज एक दिवसीय दौरे पर यहाँ आए थे। क्या करें स्कूल का भी निरीक्षण किया आपने, क्या था? निश्चित रूप संतोषजनक परिणाम रहे हैं, और कुछ कमियाँ रही हैं जिसे हम सख्त निर्देशन जारी कर दिए हैं और उसे दुरुस्त करने का काम करेंगे।